लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दादा ये है ना मालिक। सलाम साहब। कौन है ये? कौन साहब? ये सर पे पट्टी वाला चंदर है साहब, नया अप्रेंटिस। किसने रखा इसे? मैंने नहीं रखा, मैंने तो साहब ने रखा, किसी की सिफारिश से आया है। लेकिन वर्कर अच्छा है साहब, काम सीख जाएगा। सिर्फ काम ही नहीं, सलाम करना भी सिखाओ इसे। ओ चंदर के बच्चे, क्या है? जानता नहीं कौन है वो। कौन? वो जो अभी यहाँ से गए हैं, मालिक है हमारे, सैयद जी के लड़के। तो सलाम क्यों नहीं किया? अरे पगार मुझे मेहनत की मिलेगी या सलाम की? तू मरेगा, जाएगा नौकरी से। जा जा अपना काम कर। ढूंढिया जल्दी करो, टाइम क्यों लगा रहे हो? कर तो रहा हूँ मिस्त्री। करो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले कहा मिल में काम करेगा और अब वहां बस्ती में रहने लगा। थोड़ी जोर दे विक्की, बता, दिल पर हाथ रख के बता, तो बिपिन लाल से बदला लेना चाहता है कि नहीं? बदला तो ऐसा लेना चाहता हूं कि सच कहता हूं, सुनो, बिपिन लाल को मिटाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नजर आता है। मिल में पाव रखते ही डरता हूं, कहीं सामने आ जाए तो रास्ता बदल देता हूं। मेरा तो जी चाहता कि उसे तो बिपिन लाल को मिटाना ही है, लेकिन मजदूरों की नजरों में बिपिन लाल की क्या पोजीशन है तू जानता? क्या वो उसे भगवान मानते हैं, देवता समझते हैं? देवता। उसे उसकी जगह से नीचे नहीं उतारा जा सकता। तो मुझे उससे ऊपर उठना होगा मजदूरों की नजरों में, और उसके लिए उन सबको करीब से जानना बहुत जरूरी है। एक एक नाम, पता, घर सब मालूम होना चाहिए, जो उनके बीच रहे बगैर नामुमकिन है। इसलिए तुमने बस्ती में घर लिया। अरे मुझे तो यहाँ भी नहीं आना चाहिए, किसी ने देख लिया तो किए किराए पे सब पानी पे जाए। मिल से 20 मील दूर कौन आएगा तुझे देखने? अगर भी आ गया तो? फालतू बातें मत कर तुम, अगर यहाँ नहीं आना तुझे तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, रात को देर से आ जाया करूंगा। लेकिन यार ये सब मेंटली एडजस्ट नहीं हो रहा है। क्या यही कि तुझे जाके बस्ती में रहना होगा? देख प्यारे, अगर तुझ जैसा दोस्त ना होता तो मैं तो बस्ती में रहने वाला था। अरे अब तो लीडर बनूंगा और भाषण दिया करूंगा। भाइयों और बहनों, जिस दिन एक मजदूर काम पे नहीं जाता उसके घर पर चूल्हा नहीं बल्कि उसका पेट जलता है। भारतवासियों अपनी आंखें खोल लो और पानी से भर लो और देखो अपनी चारों तरफ फैली हुई गरीबी और मुफलिसी को। देखो हमारे देश की जनता कितनी दुखी है, कितनी बेबस है। इसलिए हमें लड़ना होगा, हर गरीब को अमीर बनाना होगा और हर अमीर को गरीब। या। और हर गांव को शहर बनाना होगा और हर शहर को गांव। तालियां तालियां। जवाब नहीं तेरा प्यारे, शुरुआत अच्छी की तूने। अरे ये तो शुरुआत आ गया कि देखो क्या होता है। चीयर्स। विकी, ए विकी, हाँ, इन अ वे इट्स गुड, करीम का एक्सीडेंट हो गया। करीम? कौन करीम? वही जिसका आज बाजू कट गया। अध्याय यार, तुझे तो मजदूरों के नाम भी याद हो गए। देखिए ये छोटी-छोटी बातें हैं ना, इन छोटे लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तेरे घर में ड्राइवर है तो भी है, आज तक तूने कभी उन्हें नाम से बुला? एक बार अपने ड्राइवर को नाम से बुला के देखो, दिख जाएगा रे गुलाम हो जाएगा तेरा। इतना ही काफी है कि उसके मालिक ने उसे नाम से बुला, वो अपने नाम से पहचाना क्या? यार तू तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला। दीज आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बेटा, मौके का फायदा उठाना। ये जो हाथ कटा है ना, ये करीम का नहीं बिपिन लाल का कटा है। फोकस, बताता हूं। कल जब तू फैक्ट्री आ रहा होगा ना, सेठ जी
आपसे एक बात करनी। कहो। करीम का हाथ कट गया सेठ जी, आप जानते हैं ना? हाँ, किसी वर्कर का हाथ कट गया था कल। जी हाँ, वही करीम। क्या उसके हाथ की कीमत सिर्फ 2000 रुपए? तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करीम के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी है जिसकी वो शादी करना चाहता है, उसके अलावा बूढ़ी माँ है, बीवी है, और हो सकता है 2 महीने और लग जाए करीम को वापस लौटते हुए अस्पताल से। तो मैं क्या करूँ? सिर्फ इतना कर दीजिए सेठ जी कि जब करीम वापस लौटे उसे नौकरी पर रख दिया जाए और फिलहाल 5000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए जाए। रुपया पेड़ों पर नहीं उगता कि जितना मांगो मिल जाएगा। और हाथ भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं सेठ जी कि एक कट जाए तो दूसरा लग जाए। और जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है, हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। हमने वही किया जो कानून है। कानून ने उसे 2000 रुपए मिलने चाहिए थे, वो दे दिए। तो एक बात याद रखिए सेठ जी, आप भी हर रोज यहां से गुजरते हैं, किसी दिन किसी मशीन का फल्ला आप पर गिर सकता है। और अगर बदकिस्मती से आपके दोनों बाजू कट जाए तो फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग सब मिलकर चंदा इकट्ठा करके आपको 4000 रुपए दे देंगे। तो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? धमकी वमकी मैं नहीं जानता सेठ जी, सिर्फ इतना जानता हूँ अगर करीम को 5000 रुपए नहीं मिले तो आपको आपके बाजू की कीमत मिल जाएगी, हो सके तो बीमा करा लीजिएगा। बीमा तुम लोग अपना करा लो, ये कंपनी तुम्हारी जिम्मेवार है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बीवी बच्चों के नहीं, अंडरस्टैंड? अरे ये सब क्या है? क्या है ये सब? हटो हटो, झगड़ा कैसा कर रहा है? झगड़ा नहीं, एक मजदूर का हक मांग रहा था। ये काम तुम्हारा नहीं है, यूनियन का है। क्या किया यूनियन ने? जैना की करीम को 2000 रुपए दिला के उसकी छुट्टी करवा दी। जो कानून है वही तो होगा। कानून किसने बनाया? तुमने, किसने, इन्होंने, मजदूरों ने? तुम क्या समझते हो मालिक ऐसे ही 5000 रुपए दे देगा? अरे मजदूरों के हक के लिए अगर मालिक तो क्या, मुझे सारी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ पड़ूंगा। हाँ हाँ भाई लड़ो, मगर लड़ने का भी कोई तरीका होता है। ये क्या हो रहा है? विपिन बाबू, ये सब क्या हो रहा है? काम पर भेजिए सब वर्कर्स को, ये कोई छुट्टी का वक्त नहीं है। और हाँ, सेठ जी ने करीम के लिए 5000 रुपए और नौकरी की बहाली भी मंजूर कर ली है। जी सर। तेरी कोई मैली चादर है? जी मैली चादर। मैली चादर? हाँ है। लेके आओ। फिर हवा भर गई, मैं गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़। अरे पकड़, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। छोड़ दे छोड़ दे, छप्पर फाड़ के मिलेगा। नहीं मुझे छोड़ो मत, मैं उड़ रहा हूँ। भैया को तो भांग चढ़ गई है, तुम्हें क्या भूत चढ़ा है तो चला दो। अरे इन सबको मैंने पिला दिए, ये सब मेरे साथ उड़ेंगे। ठीक है, इनने की चटनी चट लो। जा उसको भी जाके चटा के। किसको? चंदर का नाम क्या? जा चंदर का नाम पूछ गया, उसको भी चटा दे। फिर हवा भर गई, पकड़ पकड़, मैं गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़। अंदू मत रो। अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरी उंगलियां नहीं खुलेंगी तो। जरूर खुलेंगी, कल सुबह तक खुलेंगी। क्या मेरी उंगलियां फंस गई। खुल गई? हाँ खुल गई। हे बंधु खुल गई खुल गई, तुम लोग जाओ जाओ। अरे वाह वाह। तो मैं क्या कह रहा था? कुछ नहीं। फिर तू क्या कह रही थी? मैं कह रही थी ये खा लो और सो जाओ। हाँ मैं ये कह रहा था कि तू जो भी कहेगी मैं खा लूंगा, तू अगर जहर भी देगी तो मैं खा लूंगा। और क्या है खाने को? मिठाई विठाई है? पहले ये चाट लो। हाँ
देखो घुटने के साथ मेरा हाथ जुड़ गया। क्या है इसमें जो जुड़ जाता है? मेरा हाथ अब तेरे हाथ के साथ जुड़ गया। तो बहुत खूबसूरत है री। अंग्रेजी में बोलना, तू एकदम इडियट है। तू भी बहुत इडियट है रे। मम्मा तो सलाम साहब, सलाम। अच्छा सलाम करते तेरा हाथ घिसता है क्या? सेठ को सलाम करते हो घिसता, अपने से मस्का राजी नहीं होती। अरे मस्का नहीं, सेठ है। सेठ है तो क्या है? क्या क्या सेठ है तो क्या है? कमाल है भाई, तेरे को नौकरी का भी डर नहीं लगता। अरे मेहनत करने वाले को 100 नौकरियां मिलेंगी, अपने को इस चीज की परवाह नहीं है। क्या अपना काम कर। अरे भाई चंदर किसका नाम है? मेरा। तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है। क्या क्या हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ, तुझे हुआ, तुझे होगा। क्या क्या गया नौकरी? गया। कम इन। आप मुझे बुलाया सर? हाँ क्लोज द डोर। दरवाजा बंद करो। कहिए मालिक। मालिक के बच्चे साले कल क्यों नहीं आया? अभी तू ये सब कुछ ऑफिस में क्यों पूछ रहा? बात मत कर, मैं पूछता हूं तो कल क्यों नहीं आया? कल यार वो क्या जरा वो एक्सप्लेन व्हाई। यस गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रोकिया साहब, आप बीमार है ऑफिस नहीं आए। ओके हां तो मुझे हाथ से आ जाइए। अब बोल साले कल क्यों नहीं आया? कल यार बहुत गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई? कल उंगली में उंगली फंस गई थी। अच्छा तो उसे आप उंगली में उंगली कहते हैं? नहीं यार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी या नियत खराब हो गई थी? सारे लड़की के चक्कर में एक दोस्त को भूल रहा है? आस्ते बोल यार। सॉरी सॉरी। तू समझता मुझे कुछ मालूम नहीं है? क्या मालूम? बताता हूँ, कल मैं तेरे घर गया था। मेरे घर गया था? झोपड़पट्टी में? हाँ बेटा हाँ। और उस लौंडिया को भी देखा जो चम्मच से तेरे मुंह में निवाले डाल रही थी। तू वहां क्यों गया? अगर तुझे कोई देख लेता। चिल्ला मत, आहिस्ता बोल। सॉरी। लड़की कौन थी? मेरे बाजू वाली। अच्छा बाजू वाली? अरे बाजू वाली नहीं, बाजू वाली, मेरे बाजू खोली में रहती है। ओ नाम श्यामा। हाय 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 श्यामा, इतनी जल्दी नाम भी मालूम हो गया आपको? कमाल है लड़की बाजू में रहती ना। चिल्ला मत। सर सिगरेट पिएगा? तेरा तो दिमाग खराब गया। लेकिन सोमू बने। मैं सोमू नहीं, मेरा नाम चंदर है। हाँ चंदर जी, आपके टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी। वो जो आपकी है ना श्यामा, माल अच्छा है। कुछ किया है? अबे लड़की के साथ कुछ किया? नहीं यार कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं किया? कब करोगे? बुढ़ापे में देखा आपने, अच्छा खासा नौजवान आदमी लेकिन कुछ करता नहीं। क्या नहीं करता सर? काम काम नहीं करता, जब देखो खड़े खड़े बातें करता रहता है। चलो जाओ और कुछ करो। क्या क्या मालिक? काम, खाली नाम जाने से मेरा मतलब है, खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होगा, समझे? चलो जाओ। अच्छा देखो जो कुछ करोगे कल उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। चलो जाओ। जी हाँ फरमाइए। आप क्यों जब से अंदर बाहर हो रहा है? पेपर साइन करवाया। पेपर साइन करवाया, लाइए। इसे आपने पढ़ा? जी मैं साइन कर दूं? जी। पिताजी का आदेश है बिना पढ़े किसी चीज पर साइन नहीं करना चाहिए।